हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अनिष्का'स वर्ल्ड। तो गाइस, आज है जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल हमारी तरफ से। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मार्केट कान्हा जी का एक ड्रेस लेने के लिए, और हमने बिस्तर लेना है। हमारे पास बिस्तर ऑलरेडी है, बट हम चाहते हैं एक और नया बिस्तर लेने के लिए। सो गाइस, हमारे पास कान्हा जी का सारा सामान पड़ा हुआ है, फिर भी हम चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बार कान्हा जी के लिए कुछ ना कुछ नया। हर साल हम लेते हैं नया कुछ ना कुछ, और इस बार भी हम नया लेने जा रहे हैं। तो अभी चलो मार्केट का व्यू देखते हैं, क्या क्या लगा है, मार्केट की रौनक दिखाते हैं आपको, फिर मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, और वापस आके फिर कान्हा जी की पूजा करते हैं। चलो आइए गाइस, चलते हैं। ड्रेसेस दोनों बड़े पसंद आ रहे हैं, और भी अब देखते हैं चॉइस थोड़ी सी। अभी चॉइस हो रही है, हमें ये भी बड़ा पसंद लगा है, तिरंगे झंडे जैसा है, ये हमारे झंडे जैसा है, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला रेड कलर भी है इसमें, बट येलो वाला ज़्यादा अच्छा है, पिंक वाला भी अच्छा है बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं कौन सा चॉइस में लगता है अच्छा। ये भी कलर अच्छा है, ये वाला। सो गाइस, मंदिर सज चुका है, कान्हा जी रेडी होने जा रहे हैं, और ये थोड़ी सी डेकोरेशन हमने की थी। कुछ सामान हमने कान्हा जी के लिए बाय किया है। एक तो ये बहुत अच्छा सा सुंदर सा सूट है, हर साल की तरह इस साल भी हम नया सूट लेके आए हैं। और बिस्तर जो था उसकी रिक्वायरमेंट थी, पुराना बिस्तर थोड़ा सा लगता था, काफ़ी साल हो गए थे, 3-4 साल, तो ये नया लेके आए, बच्चों जैसा है बिल्कुल। तो साथ में पिलोज भी हैं दो। तो क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है, हर साल जैसे अनिष्का को नया नया कुछ मिलता है बर्थडे पे, वैसे ही कान्हा जी को भी उनका नया ड्रेस, उनका बिस्तर और उनके जो गहने हैं वो मिलेंगे, एक्सेसरीज, यू नो। हर बार आते हैं तो इस बार, तो अभी कान्हा जी करेंगे स्नान, पंच अमृत उनके लिए रेडी किया जाएगा, और फिर उनको भोग लगाया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी, और फिर कान्हा जी रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले कान्हा जी के पुराने वस्त्र उतारते हैं। हाँ, राखी अभी तक पहनी है, मेरे तो एक ही रह गई, बाकी उतर गई है, कान्हा जी की सभी राखी है। चलो गाइस, कान्हा जी को स्नान कराते हैं। तो अभी कान्हा जी का स्नान करवाएंगे पंच अमृत से। उसमें 5 चीजें होती हैं, पानी, दूध, घी, दही और शहद। कई लोग इसको मिक्स करके भी डाल देते हैं ऊपर, नहीं तो हम अलग अलग भी स्नान करवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले घी से स्नान करवाने लगे। तो अभी हम दही से स्नान करवाएंगे कान्हा जी का। अभी हम नहलाएंगे शहद से। इसके बाद अभी हम दूध से नहलाएंगे कान्हा जी को। और एंड में पानी से नहलाएंगे। कान्हा जी को अभी हम कपड़े से साफ करेंगे। तो भी कान्हा जी नहा के तैयार हैं। कान्हा जी के चेहरे के ऊपर नूर देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। निष्का भी सुंदर लग रही है वैसे, और फ्लफी नहीं लग रहा, फ्लफी की तरफ देखो ना, अभी भी नहाया हुआ है फ्लफी, तो ये सोच रहा है कि हो क्या रहा आज। तो ये कान्हा जी का न्यू ड्रेस है, अभी कान्हा जी को इनका न्यू ड्रेस पहनाते हैं। अरे ये तो अनिष्का के साथ मैच हो गया। अनिष्का, यस, येलो मजेंटा। तो देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये एक उतर गया ना मोर पंख, कोई बात नहीं, इसको जोड़ देंगे बाद में, कोई बात नहीं। इनकी जो
मुकुट है वो भी हम लेके आए नया, बाजूबंद भी लेके आए नया, बांसुरी भी है इस पैकेट में, सब कुछ है इसमें। अनिष्का पहनाएगी बाजूबंद, अनिष्का पहना देगी, चलो पहनाओ बेटा। तो कान्हा जी का मुकुट देखिए कितना सुंदर है, ये बांसुरी है कान्हा जी की, इयररिंग्स हैं। तो ये जुड़ेंगे गम से, ये गम पेस्ट लेके आए हम साथ में, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे, फिर कान्हा जी को लगा देंगे। तो ये हमारे कान्हा जी हो गए हैं तैयार, अब इनको मंदिर में रखते हैं, इनको भोग लगवाते हैं और फिर इनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये फल है, और कुछ हमने चॉकलेट्स और टॉफीज ले रखी है कान्हा जी के लिए। इसका फूल चढ़ाओ बेटा। यस, फूल चढ़ाओ। अभी एक टॉफी लेते हैं, ठीक है, कान्हा जी को देते हैं, और साथ में हमने जलेबी भी लेके आए हम, ये जलेबी का भी भोग लगाते हैं कान्हा जी को। तो ये स्वीट्स हैं, टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं कान्हा जी के लिए। तो अभी हम कान्हा जी की आरती करेंगे, दिया जलाएंगे, धूप जलाएंगे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो गाइस, इसी के साथ ही आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय।